दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप थोड़ी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपको भिलवाड़ा सीबी इंटरप्राइज के अंदर, और सीबी इंटरप्राइज में आज ये मशीन मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा मशीन है जिस मशीन के जरिए आप जो है डेली के 4,000 रुपये से लेकर के और आप 10,000 रुपया तक कमा सकते हैं। और इसका सिंपल फार्मूला है, ये मशीन बहुत इजी टू स्टार्ट है, आप बहुत आसानी से इस मशीन से काम कर सकते हैं। तो ये मशीन चलाना बहुत आसान है, आपको यहाँ पर एक लीवर मिलेगा, इस लीवर को आपको ऐसे ऑन करना है, मशीन चालू हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको गोबर जो है वो डाल देना है, और गोबर डालने के बाद से इसका यहाँ से कंडा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इसकी लकड़ी जो है वो बननी स्टार्ट हो गई। अब ये दोस्तों एक सेट रेडी हो गया, इसको आपको सुखाने के लिए रख देना है। अब ये दूसरा सेट है, इस तरह से आपको एक पाइप का सहारा लेना है और इस पाइप के जरिए आपका ये कंडा जो है वो लकड़ी के फॉर्मेट में बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मेरे साथ है दिनेश शर्मा जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मशीन क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से इसे प्रोडक्शन होता है, और किस तरह से आप इस मशीन को परचेज करके आप भी घर बैठे गांव में अपने घर से बिना कहीं गए पैसे कमा सकते हैं। तो दिनेश जी सबसे पहले आपका स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल पे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ तक चल के आए हैं और प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं। ओके सो दोस्तों ये मशीन अब हम जानते हैं इस मशीन के बारे में, तो दिनेश जी सबसे पहले बताइए ये मशीन क्या है। सर ये गो कास्ट मशीन बोलते हैं इसको। जैसे कि अब पहले के ज़माने में क्या होता था, लेडीज वगैरह जो होते थे वो जो गोबर आता था उसके उपले बनाना, कंडे बनाना, ये काम करते थे। तो उसी को क्या कन्वर्ट कर दिया इस मशीन के जरिए, वो काम और भी आसान हो जाता है और उसमें प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ जाती है। यानी गोबर से सीधा आप लकड़ी में उसको शेप दे सकते हैं। ओके जी, सो गोबर से आप लकड़ी में शेप दे करके और इससे इनकम कर सकते हैं। एक घंटे के अंदर इसका प्रोडक्शन क्या है, एक घंटे में कितना प्रोडक्शन हो सकता है इस मशीन? सर इस एक घंटे का अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि मटेरियल मिलाना करना, लाइट का सारा, तो इसका एप्रोक्सीमेट जो है वो पूरे दिन का अनुमान निकलता है। हाँ। और पूरे दिन में एप्रोक्सीमेट 6-7 घंटे 8 घंटे भी अगर लेबर काम करे तो एप्रोक्सीमेट 7-8 हजार पीस जो निकल जाते हैं, एक एक फीट डेढ़ फीट की एप्रोक्सीमेट उसका रहता है साइज, तो 7-8 हजार पीस निकल जाते हैं। तो 7-8 हजार फीट इस मशीन से निकाल सकते हैं एक दिन का। एक फीट की जो प्राइस आती है, लगभग एक फीट अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसका कितना रुपए कास्ट होता है? इसका सर 12 इंची से लेकर के 15 इंची की जो साइज होती है जो हमारे राजस्थान में चलती है। क्या होता है इसका एरिया वाइज डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया में गोबर की अलग अलग कॉस्ट होती है और अलग अलग ही उसकी सेलिंग वैल्यू होती है। हमारे इधर जो है 12 इंची से 15 इंची का जो है अप्रोक्सीमेट आपको 7-8 रुपये मिल जाता है। 7-8 रुपये मिल जाता है। ओके तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे अगर आप 6,000 पीस करते हैं और 7,000 के हिसाब से 8,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये गोबर जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आसपास के गोबर को यूज़ कर सकते हैं, और कई सारे लोग हैं इसको परचेज भी करते हैं। परचेज करके भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर प्रॉफिट की बात करें, मिनिमम 1 रुपया तो कमा सकता है आराम से सर, इजी वे में 1 रुपया तो आपका कहीं नहीं गया। अगर आपकी सारी चीज अगर कॉस्ट पे आ रही है, मतलब पैसे से आ रही है, यानी कि आप लाइट ले लीजिए, पानी ले लीजिए, लेबर ले लीजिए, यहाँ तक कि गोबर भी आप अगर पैसे देके खरीद रहे हैं उसके बावजूद भी आपको इसमें 1 रुपया सूखा मार्जिन है, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके जी, सो 1 रुपया बिल्कुल मार्जिन होने वाला है और दिन भर में कम से कम 7-8 हजार प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 7,000 से 8,000 रुपया तक का जो प्रोडक्ट है
डेली का इनकम जो है आप इससे जनरेट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, मशीनरी लेना बहुत आसान है। आज लगभग 90% यूट्यूब चैनल पे बोला जाता है कि मशीन ले लो पैसा निकलने लगेगा, ठीक बात, ऐसा ये कंसेप्ट होता है जी। लेकिन जो मेजर कंसेप्ट होता है बेचना, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेता है, तो वो मार्केट कौन सा है जिस मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। क्योंकि कई सारे लोग उपले बनाते हैं जो गांव में, तो वो अपने यूज के लिए बनाते हैं, लेकिन इस मशीन के थ्रू इसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो उस ऑडियंस को कैसे फाइंड आउट करें, क्या तरीका हो सकता है सेल का? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मशीन उनके लिए वरदान है जो हाथों से जो उपले बना रहे ना उनके लिए वरदान है। एक्चुअली में वो क्या करते हैं, अगर बनाते पूरा दिन भी अगर वो बनाएंगे ना तो 2000 उपले भी वो नहीं बना पाएंगे और बेतोड़ मेहनत होगी उसमें। वो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरी चीज हो गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने यूज के लिए नहीं लेकर के मार्केट में सेल आउट भी करते हैं। जैसा उपला बिकता है 3-4 रुपए का उपला बिकता है, छोटा सा जो उपला होता है, तो इसका जो यूज होने वाला सर मार्केट में बहुत ही बढ़िया यूज होने वाला है, क्योंकि ये हर सेक्टर में काम आती है। आप भोजन बनाना ले लीजिए, हवन वगैरह ले लीजिए, अंतिम संस्कार ले लीजिए, जहां पर भी बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर खाने का जो आयोजन होता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे आपकी जो पेड़ पौधों की कटाई है वो कम हो जाएगी, तो इसमें आपको वो बहुत बड़ा इको फ्रेंडली भी है। क्योंकि जो पेड़ अगर हम काट के और उसका इस्तेमाल करें लकड़ी के लिए या जलाने के लिए, तो उससे बेटर तरीके से इन वेस्टेज को हम यूज करके और इससे पैसे बना सकते हैं। मशीनरी अगर कोई लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? सर मशीन लेने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत ही आसान है। हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर मशीन अवेलेबल करवाती है। मशीन अवेलेबल करवाने के हमारे पास काफी सारे रिसोर्स हैं, जैसे कस्टमर ऑफलाइन आके यहाँ आके मशीन देख के ले जाना चाहे तो भी है, ऑनलाइन अगर वो बुक करवाना चाहे तो ऑनलाइन भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। ऑनलाइन में हमारे यहाँ सर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि भारत की कोई भी कंपनी नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट से बहुत सारी कंपनियों को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन 99% नहीं 100% कंपनियां नहीं देती है। उसका रीजन क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जाता है और रास्ते में जाने के बाद लोग कैंसिल कर देते हैं, इससे लॉजिस्टिक खर्च जो है वो कंपनी को बियर करना पड़ जाता है। ऐसे में अगर कोई कंपनी आपको घर पे प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद से पैसे ले रही है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपको यहां से मिलने वाला है, यानी सीबी इंटरप्राइजेस से मिलने वाला है। एक चीज और कि इसमें ट्रेनिंग का तो मेरे ख्याल से कोई खर्च नहीं है। ट्रेनिंग का कैसे? इसमें कोई जरूरत नहीं है सर, ऊपर से आपको गोबर डालना है, उधर से लकड़ी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी कंपनी आपको जो है वीडियो कॉल पे कस्टमर सपोर्ट के लिए बंदा बैठा रखी है। हमारे पास 40 से 50 जनों का स्टाफ है, आपको पूरा वीडियो कॉल पे सपोर्ट मिलेगा। जो ऑफिस टाइम होता है 9 से 6, उसके बीच में आप कभी भी कस्टमर कॉल करते हैं तो उनको पूरा वीडियो कॉल पे सपोर्ट मिलेगा। उनकी मशीन में कोई भी दिक्कत आती है तो वो रिपेयरिंग जो भी होती है वो सही करवा के देंगे। तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, आपको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, साथ में ये लोग ये भी सिखाएंगे कि इस मशीन का मेंटेनेंस कैसे करना है ताकि आप कोई भी परेशानी में ना फंसे। एक चीज और सबसे बड़ी चीज आती है कि इसमें खराब होने वाला जो क्या सिस्टम होता है, सिर्फ मोटर है जी जो आपका खराब हो सकता है। सो मोटर की वारंटी क्या है? मोटर की सर 1 ईयर गारंटी है। वारंटी में क्या होता है, चीज रिपेयर होती है और गारंटी में रिप्लेसमेंट होती है। अगर आपकी 1 साल में मोटर जल जाती है तो कंपनी पीस टू पीस आपको रिप्लेस करके देगी, 1 रुपया उसका खर्चा नहीं है। ओके जी, तो यानी कि ये पीस की गारंटी है, मशीन की गारंटी है, मशीन में और कुछ खराब होने वाला नहीं है। 2-3 डाई का इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ आपको ये डाई मिल रहा है और इसके साथ ये 2 डाई और है। आप किसी भी शेप में लकड़ी बनाना चाहें तो इस शेप में लकड़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिजनेस कंप्लीट कैसे काम करता है। इस मशीन के जरिए आप प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, इस मशीन से आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, डेली का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, और आप प्रोडक्ट बनाने के बाद से किस मार्केट को टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में सेल लाने के लिए। और भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा या आपको मशीन खरीदना होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाइए, नंबर पे कॉल कीजिए, कंपनी से बात करिए, आप लाइव डेमो देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जो है हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।